सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स वर्सेस रैंक। ओके, ये जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए काफ़ी एक्यूरेट और एक्सपेक्टेड होगा 2022 जेईई मेन के लिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट इस चैनल पर मिल जाएंगे जेईई मेन से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं इसमें परसेंटाइल डिस्कस करूँगा, मार्क्स भी डिस्कस करूँगा और रैंक भी, कि अगर आपके परसेंटाइल इतने आ रहे हैं तो कितने मार्क्स जरूरत है, ठीक है, और उसके लिए कितना रैंक चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं इसमें डिस्कस करूँगा 90 से लेकर 99 परसेंटाइल तक। ओके, सो मैं सारा ही डिस्कस करूँगा, कितने मार्क्स चाहिए और कितने रैंक चाहिए उसके लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो अगर बेसिकली आप जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कितना मिनिमम मार्क्स रिक्वायर होगा, वो 190 के आसपास अगर आप मार्क्स लाते हो तो डेफिनेटली आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल बनेंगे वो 99 बन जाएंगे, ठीक है। और रैंक की बात करें तो अगर एग्जैक्ट 99 परसेंटाइल है तो अराउंड 9K के आसपास आपके रैंक हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं रैंक जो बता रहा हूँ कोई कैटेगरी रैंक नहीं है, CRL रैंक है, ठीक है, कॉमन रैंक लिस्ट। ओके, मतलब कि जनरल कैटेगरी का। ऑल राइट, अगर आप OBC में हैं तो भी आपका रैंक जनरल कैटेगरी से आता ही है, तो उस जनरल कैटेगरी में आपका रैंक क्या होगा, 9K होगा। ओके, अब बात करते हैं 98 परसेंटाइल के लिए। तो 98 परसेंटाइल के लिए अगर आपके मार्क्स 175 से 190 के बीच में अगर आते हैं तो डेफिनेटली आपके 98 परसेंटाइल बन जाएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी कम मार्क्स पे काफ़ी अच्छे परसेंटाइल बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, और सेकेंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली आपके मार्क्स जो होंगे वो काफ़ी मतलब 10-15 नंबर का गैप आ जाता है, तो अगर आपके इतने मार्क्स होंगे तो आपके इतने परसेंटाइल बन जाएंगे। और कितने रैंक होंगे आपके, अगर 98 है तो 18K के आसपास आपके रैंक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 97 परसेंटाइल, तो इसके लिए आपका अगर मार्क्स 160 से 175 के बीच में है तो आपके 97 परसेंटाइल बन जाएंगे, ठीक है। और डिपेंड करता है डिफ़िकल्टी लेवल, अगर काफ़ी डिफिकल्ट होगा तो उसमें आप 5-10 मार्क्स और घटा सकते हो, ठीक है। तो ये मैं एक डिसेंट पेपर की बात कर रहा हूँ, मीडियम लेवल पेपर की, ठीक है। ईजी होगा तो मार्क्स बढ़ जाएगा 10 नंबर, और टफ होगा तो मार्क्स 10 नंबर घट सकता है, ठीक है। और इसके लिए रैंक कितना हो जाएगा 97 परसेंटाइल पे, 28K। ऑल राइट, बात करें 96 परसेंटाइल, तो इसमें अगर आप 145 से 160 अगर लाते हो तो आपके 96 परसेंटाइल बन जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, और इसके लिए रैंक कितना आएगा, 36K। ओके, 95 परसेंटाइल की बात करें तो 130 से 145 अगर आप मार्क्स स्कोर करते हो तो आपके 95 परसेंटाइल बन जाएंगे। ऑल राइट, अब देखते हैं 94 परसेंटाइल के लिए। तो इसके लिए आप 120 से 130 नंबर स्कोर करते हो तो आपके 94 परसेंटाइल गारंटी है कि बन जाएगा। ऑल राइट, ये काफ़ी मैंने डिटेल डिस्कशन मैंने करा है, काफ़ी डीप रिसर्च करके 2020-2021 का जो ट्रेंड है उसको मैंने एनालिसिस किया है। ओके, और अगर बात करें 93 परसेंटाइल, तो इसके लिए 110 से 120 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो इतने परसेंटाइल बन जाएंगे। और रैंक की बात करें तो 57K के अराउंड आपके रैंक हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 92 परसेंटाइल, तो 92 परसेंटाइल आपके 100 से 110 नंबर के बीच में आ जाएंगे। अगर आप इसके बीच में लाइक करते हो तो डेफिनेटली आपके इतने परसेंटाइल बन जाएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ टफनेस और इजी कितना पेपर है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी होगा तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बट नॉर्मल एक पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग ये रेंज काफ़ी है, ठीक है। 91 परसेंटाइल की बात करें तो इसमें आप 90 से 100 मार्क्स अगर लाते हो तो इतने परसेंटाइल बन जाएंगे, ठीक है। और 90 परसेंटाइल की बात करें तो 80-90 मार्क्स पर आपके इतने परसेंटाइल बन जाएंगे, और ये आपका कोरस्पॉन्डिंग रैंक है। तो ये काफ़ी मैंने डिटेल में डिस्कस किया मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जेईई मेन। ऑल राइट, और डेफिनेटली जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस पर्टिकुलर शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए क्या एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पेपर कितना डिफिकल्ट है, कौन सा पेपर ईजी है। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।